तो ये गाइस, वादे के मुताबिक आज भी हम आ गए थे। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखा था कि जवान की फर्स्ट जो पार्ट रिएक्शन, जवान का जो रिएक्शन दिया फिर था से ना लगाओ। इंट्रो, पूरा मूवी बोला ना जलेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बता तो वीडियो छोड़। इस सीन में, यानी कि इस वीडियो पे। ठीक है, हम जो मेट्रो वाला सीन था, यानी कि मेट्रो पे जो भूकंप मचाया जो था, कांड होगा पूरा मेट्रो कांड मेट्रो सीन इसमें होगा। तो चलिए स्टार्ट करते इस हैं। ठीक साल है, बाद 2023 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सियालदा मेट्रो स्टेशन। बॉब कल्की मैसेज डाल दी। जमाए? हाँ बस सारा सामान आ रहा है। यू गो। जानवी का कंपोजर हेले नजार टेकी। बच्ची को स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा होगा? ऐसा है कर मुझे भी चाहिए। लगता है आगे एक्सीडेंट हो गया है। 20 मिनट में मेरे एग्जाम है मेट्रो। एक टिकट चकाला। 20 रुपीज चेंज प्लीज। नहीं है। नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट। फर्स्ट टाइम है मेट्रो में? या 2 चकाला। अरे जल्दी। That's me, the mother. Good to go, Chief. मैं बुढ़ा। ये वाला भी है भाई। जीजू इस मेट्रो का कोई और कैप्टन है। बॉलीवुड का मनी है। मेट्रो को हमारा नमस्कार। What happened? So look at this, sir. Hello. Captain Abhijit. Captain Abhijit. यात्री ग्रांड कृपया ध्यान दे। गाड़ी क्रमांक 00381 वर्सोवा से घाटों पर जाने वाली मेट्रो ट्रेन का हमारे द्वारा हाईजैक कर लिया गया। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस से हूँ। गाइस नीचे करो। नीचे करो वरना जान जाएगी इसकी। क्या कर रहे अंकल? जाके बैठ जाइए। घर आ गया। आगे मत आइए प्लीज। वहीं रुक जाइए। रुक जा बुड्ढे।
आप देखो क्या हाल होता है। बुड्ढा मैं बुड्ढा हाँ बुड्ढा तेरा बाप बाप माय डियर मैं हूं आपका नया कैप्टन एट योर सर्विस। लेकिन अगर आपने ये पुलिस वाले भैया की तरह हीरो बनने की कोशिश की तो यार ये कौनसी मेरे अंदर का विलन जाग जाएगा और जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता। तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अपनी माँ से। मम्मी जी क्या उम्र है तुम्हारी मम्मी जी की? 55 सर। अरे यहाँ कोई है इनकी मम्मी की उम्र वाला? हाँ 55 नाइस। सो मेनी मम्मीज। फर्ज करो वो उस बुरके के पीछे तुम्हारी मम्मी जी हैं। Just imagine. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर। अल्लाह आपको जन्नत बख्शे। अनिल जी अगर आपको इन 376 लोगों की जान की जरा सी भी परवाह है तो जल्दी से किसी ऐसे इंसान को डेस्क पर लेकर आइए जो सिस्टम की तरफ से मुझसे बात करे और जिससे बात करने में थोड़ा मजा आए। मुंबई मेट्रो में एक महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने की वीडियो ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। फोर्स वन चीफ नर्मदा राय को इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए असाइन किया गया। हेलो नर्मदा जी। व्हाट अ सर्विस। 10 साल और 7 बार हॉस्टेज सिचुएशन और 7 बार आपने बाजी मारी। मेरे बारे में इतना पता ही है तो आपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता ही सकते। ऑर्गेनाइजेशन नर्मदा जी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिसे बार बार ऑर्गेनाइज कर बेवकूफ बनाया जाता। कोई नाम है? भारत का नागरिक। मतलब? मतलब ये है कि कुछ नहीं बदलता मैडम, कुछ नहीं बदलता। मैं बार बार जा जा के नए लोगों को वोट देता हूँ, हर बार उम्मीद में रहता हूँ, पर कुछ नहीं बदलता, रत्ती भर भी नहीं बदलता। तो बार में गए सब, कोई नहीं चाहिए मुझे। अब जो करना है मैं खुद करूंगा और उसकी शुरुआत है ये हाईजैक। अच्छा काम डाउन ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट, लेकिन उम्र में थोड़ी छोटी है। नहीं यस। एक गाना सुनाइए ना। What? अरे चिल्ला चिल्ला के ऐसे ही मूड खराब हो गया, सुनाइए ना वो बेकरार वाला। 2 लाइनें सुना दीजिए प्लीज। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। आपको पता है नर्मदा जी इस गाने के ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है, तो गाना खत्म होने तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ होने चाहिए। 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह हलाना इम्पॉसिबल। ही मस्ट बी बिजी। लेकिन याद रखिएगा गाना खत्म होने के बाद हर एक मिनट पर एक पैसेंजर। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अरे यार बात करो इसे, ये कोई गाना सुनने का टाइम है? सर गाना खत्म होने के पहले आपको कंट्रोल में पहुंचना है, बस टाइमिंग के लिए सुन रहा हूँ। क्या
कैबिनेट मिनिस्टर हूँ मैं यहाँ का। कौन है वो लेडी जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम हो? सर, वो मैं हूँ। क्यों बुलाकर लाए हो मुझे यहाँ पे? सर, आपको जितना चिल्लाना है मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, लेकिन एक बार लाइन पे जाने के बाद आप बिल्कुल चिल्ला नहीं सकते। सिर्फ 14 सेकंड बचे। क्या मैं हाई जैकर के साथ सर सर करके बात करूं? अगर जरूरत पड़ी तो यस सर। आपकी किसी भी बात पर अगर उसको गुस्सा आया तो वो वहाँ किसी को भी शूट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अगली बार आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी शायद आपको वोट मांगने की दिक्कत आ जाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुरारी दास बोल रहा हूँ। अरे यार, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे छोड़िए ना मिनिस्टर साहब, आपके साथ तो मुझे सिर्फ एक क्विज का खेल खेलना है। सही जवाब के बदले में आपको इन लोगों की जान बचाने का मौका देना चाहता हूँ। मंजूर है? देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो कुछ सीखा लोगों से ही सीखा है। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल। सवाल आपके डिपार्टमेंट के बारे में है। ओके, फिर ठीक है। 1 0 2 8 1 ओके, सवाल क्या है? यही सवाल है सर। 1 0 2 8 1 ये नंबर सुनकर कुछ याद आता है। देखिए, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, शायद आपको फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी थी, पर कोई बात नहीं, आप तब तक दूसरा खाना प्ले कीजिए, तब तक मैं उनको बुलवा लेता हूँ। वहीं बैठे रहिए आप, पिछले एक साल में तुम्हारे मिनिस्टर होते हुए 10,281 किसान ने आत्महत्या की। 10,281 अफसोस मिनिस्टर साहब, ना तो आप उन किसानों को और ना इन 376 लोगों की जान को बचा सके। सर प्लीज, एक मौका और दीजिए। प्लीज सर। ओके दिया। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है, एक अमीर आदमी मर्सिडीज जैसी कार खरीदने के लिए। दोनों बैंक से लोन लेते हैं। दोनों में से ज्यादा सस्ता लोन किसको मिलेगा? सारे के सारे 376% को रिलीज कर दीजिए। भाई, मर्सिडीज के लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और गरीब किसानों के ट्रैक्टर पर कम। गलत मिनिस्टर साहब, ट्रैक्टर के लोन पे इंटरेस्ट है 13% और मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे महज 8%। ये हाल है हमारे यहाँ का। सच्ची में यार, सवाल जो आपके अलावा भी कोई और तरीका होगा? है ना, पेन है आपके पास? तो ले लीजिए। लिखिए। हाँ बोलिए। 40,000 crore 97,13,556 रुपीस ओनली। 5-10 crore की बात होती तो समझ में आता, 40,000 crore हम कैसे दे सकते हैं? आइडिया सर, प्राइवेट सेक्टर से ले लीजिए, किसी बिजनेसमैन से। देखिए सर, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम के लिए हम जरूर मदद कर सकते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम के लिए कौन बिजनेसमैन पैसे देगा? देंगे सर, देंगे। जब आप बार बार बिजनेसमैन की नई अपार लगा सकते हैं तो बिजनेसमैन भी एक बार आपकी मदद तो कर सकता है ना। अगले 10 मिनट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन आपको आएगा, बस अपना फोन अपने पास रखिएगा। आलिया, तुम्हें मेरे लिए कॉल करना है, करोगी? तो गाइस, ये अपना ही ठीक है, ये पार्ट जो था ठीक है, बहुत ही चतुर भरी और इमोशन से भरा हुआ एक पार्ट था। हाँ, तो क्या ही बोले यार इनको लेके, और हम इससे भी पूरा आहिस्ता आहिस्ता सबको कवर करेंगे हर एक एपिसोड। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहो हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा लग रहा है मूवी, ठीक है, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलिए गाइस, यहाँ पर खत्म करते वीडियो को, मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। #